तो अस्सलाम वालेकुम बहनों भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को एक डाउट होगा, मेरी वीडियोस लेट क्यों आ रही हैं भाई। मेरी वीडियोस इसलिए लेट आ रही हैं क्योंकि मुझे हुआ हुआ है डेंगी फीवर, जिसकी वजह से वीडियोस मैं बना नहीं पा रहा हूँ सही से। मतलब अभी तक 1 वीक गुजर चुका है इसमें, तो मैंने एक आई थिंक वीडियो पहले डाली है और एक अभी डाल रहा हूँ। तो माजरा यार वीडियो लेट होने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने देखा कल के मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो थैंक यू यार, तुम सब की सपोर्ट की वजह से ये सब हुआ है। तुम लोग सपोर्ट करते रहो आगे भाई, मैं आगे बहुत बेहतरीन आपको अपनी तरफ से अच्छे कंटेंट लाकर दिखाता रहूँगा। तो भाई अभी मेरा जो टॉपिक है मेन एंटी अलाइजिंग का है AR5 के ऊपर। तो AR5 के ऊपर एंटी अलाइजिंग अगर ऑफ कर देंगे तो कैसे वर्क करेगी, अगर ऑन कर देंगे तो कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। तो लॉबी में मैंने HDR+ वो अल्ट्रा रखे हुए थे, तो अभी मैंने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम कर दिया है। तो एंटी अलाइजिंग जो कि आप देख सकते हैं, एंटी अलाइजिंग का मकसद क्या है, आपको जो मेरे करेक्टर के एजेस दिख रहे हैं या गन के एजेस या इस तरह के जो जो जिस जिस चीज़ के एजेस दिख रहे हैं ना, वो मतलब अगर आपको बिल्कुल स्मूथ देखेंगे तो एंटी अलाइजिंग मतलब प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर आपको बिल्कुल मतलब वो रफ़ टाइप देखेंगे, मतलब ब्लर ब्लर धुंधले अगर मूव करते हुए, तो इसका मतलब है एंटी अलाइजिंग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। अभी आप देख लें करेक्टर के एजेस भाई बिल्कुल बकवास दिख रहे हैं, मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं दिख रहे होंगे। तो जैसे करेक्टर किसी चीज़ में से कटा हुआ होता है ऐसे दिखते हैं। तो अभी मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको जाके प्रॉपरली समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क करती है। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में हम जा रहे हैं, तो गाइस ये हम ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। तो अभी आपको मैं प्रॉपरली समझाता हूँ। तो इस टॉपिक पे बात करने का मकसद भी यही है, काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि AR5 में अगर एंटी अलाइजिंग ऑफ ऑन करेंगे, मतलब 4x कर देंगे उसे, तो आपके ग्राफिक काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। भाई ग्राफिक मैं जानता हूँ उससे बेटर हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं कि आपको एजेस स्मूथ नहीं दिख रहे हैं आपको। वो जब मैं कैमरा इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो वो लाइंस काफ़ी मूव होती हुई दिख रही हैं, लेकिन जब मैं स्कोप ऑन करता हूँ तो बिल्कुल स्मूथ दिख रही हैं। तो भाई मुझे भी पता है इससे ग्राफिक्स अच्छे हो जाते हैं, ग्राफिक्स अच्छे नहीं होते, ग्राफिक्स तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, खाली एजेस कोई भी चीज़ है उसका टेक्सचर जो है उसके एजेस बहुत ज़्यादा स्मूथ, आपको डेफिनेशन उसकी अच्छी देखने को मिलेगी। तो अभी आपको जैसा कि आप दूर वाली नज़दीक वाली सड़क की लाइनों को ना देखें, दूर वाली सड़क की लाइनों को देखें, वो आपको इसी तरह बगैर स्क्रीन मूव किए भी आपको मूव करती हुई नज़र आ रही होंगी, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं स्कोप ऑफ कर दूं आप वो देख लें सही से, अगर इसी जगह पे एनिमी लेटा हुआ घास में तो वो सही से स्पॉट नहीं हो सकेगा। तो अभी आप देख सकते हैं। तो एंटी अलाइजिंग का मकसद क्या है, ये चीज़ आपको स्कोप ऑन किए बगैर भी ना बिल्कुल मतलब क्लियर से दिखा देगी। तो आप ये कहते हैं कि इससे ग्राफिक अच्छे हो जाएंगे, भाई नहीं, अभी AR5 में मसला ये चाह रहा है कि अगर आप एंटी अलाइजिंग ऑन करते हैं तकरीबन 2 से 4 गेमें आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी, मतलब अच्छे से वो वर्क करेंगी उसमें। तो लेकिन जैसे ही उसके बाद थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा आईपैड उसके साथ, तो साथ ही लैग मतलब चौपी चौपी जैसे 30 FPS पे आप खेल रहे हैं ऐसे। अभी आप एंटी अलाइजिंग ऑफ है तो आप देख सकते हैं ये गन के टेक्स्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सही से अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत ब्लरी ब्लरी टाइप देख रहे हैं। तो अभी आपने करना क्या है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये मैंने HDR अल्ट्रा कर दिया, इधर से मैं एंटी अलाइजिंग को भी ऑन कर देता हूँ। तो बल्कि ये मैंने लॉबी को कर दिया था, वेट एक मिनट, ये कॉम्बैट में मैं गया तो इधर मैं HDR अल्ट्रा करके एंटी अलाइजिंग 4x कर दी। तो अभी आप टेक्सचर की स्मूथनेस देख सकते हैं, स्मूथनेस तो भाई एंटीक लेवल हो गया। लेकिन इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि चौपी चौपी टाइप फील होने लग पड़ेगी। वो अभी अभी भी आप देख सकते हैं एंटी अलाइजिंग और HDR मैंने किया हुआ, HDR तो मेरा उधर शेडो देखें, सिर्फ गन देख रही है नीचे ज़मीन पे। भाई ये क्यों, मुझे नहीं समझ आती है क्यों ये प्रॉपरली सेट नहीं किया जा रहा है इसे, कब ये प्रॉपरली सेट होगा और मैं अपने TDM के मतलब स्टार्ट करूँगा मैचेस वगैरह। क्योंकि मेरा तो मतलब बेसिकली काम तो TDM प्लेयर हूँ मैं, तो TDM के मैचेस वगैरह डालना काम है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ इस वजह से, तो काफ़ी इंतज़ार है मुझे इस चीज़ का, कब इसको फिक्स किया जाएगा। इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ अभी डालता रहता हूँ। फ़िलहाल
क्योंकि अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है TDM का बाहर डालने के लिए। तो अभी मैं जो न्यू चीज़ पबजी में आने वाली होती है और जो न्यू गन्स वगैरह आती हैं उनकी क्रेट ओपनिंग वगैरह करता हूँ। तो भाई कब तक ये चलेगा भाई? तो होप्स हो इसको जल्दी फिक्स कर दिया जाए भाई। तो दैट्स इट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना भाई मेरे लिए कि डेंगू जल्दी जल्दी ठीक हो जाए भाई। तो फिर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस आगे आती रहेंगी। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और सब्सक्राइब भाई लाजमी कर दिया करो भाई, काफ़ी सपोर्ट मिलती है भाई। लव यू हो गया।